Friday, my father was detained by Allahabad police. उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शहर के अटाला और करेली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव की घटना के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला बंगला इतवार को बुलडोजर से ध्वज कर दिया। मोहम्मद जावेद आफरीन फातिमा के पिता हैं। आफरीन फातिमा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वे कई आंदोलन का हिस्सा रह चुकी हैं। मकान ध्वज होने के बाद सोशल मीडिया पर आफरीन फातिमा के समर्थन में कई लोगों ने पोस्ट किया और इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया गया। आफरीन के समर्थन में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया। थरूर लिखते हैं, जेएनयू से आ रही इस खबर को लेकर हैरान हूँ कि छात्रा के परिवार का घर गिरा दिया गया है। कानून की नियम प्रक्रिया से तहत कार्रवाई लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। घर गिराने की कार्रवाई किस कानून के तहत और किस प्रक्रिया पर पालन करते हुए की गई है? आपको बता दें, आफरीन फातिमा के फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वे एएमयू की महिला कॉलेज की पूर्व छात्र नेता भी रह चुकी हैं। फिलहाल वो जेएनयू की छात्र हैं और स्टूडेंट यूनियन की सभासद हैं। आफरीन फातिमा की पहचान सीएए आंदोलन से बाहर निकली। उन्होंने प्रयागराज में इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। जेएनयू में भी वे छात्र आंदोलनों से जुड़ी रहती हैं। सिर्फ यही नहीं, हिजाब बैन के दौरान भी आफरीन का नाम जमकर सामने आया था। वे सीएए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं के समर्थन और उनकी रिहाई के लिए चलाए गए आंदोलन में सक्रिय रही थी। रविवार को आफरीन फातिमा के समर्थन और योगी सरकार के विरोध में जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने ट्विटर पर स्टैंड विद आफरीन फातिमा हैशटैग को भी ट्रेंड कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।